इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस आर आइदर 0 और 1. तो हम इसको प्रूफ करते हैं. तो हमें पता है अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल होगा. ठीक है, अब अगर ए, अब एक्स को हम मान लेते हैं कि एक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट, x is the characteristic vector of the matrix A, corresponding to the characteristic root lambda. तो हमारे पास क्या आएगा, a lambda is equal, sorry, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये आ गया हमारे पास. बट अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में देखा था ये हो जाएगा ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर. अब हम इसको ये अगर जो हमारा इक्वेशन था इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं तो इसमें अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू लैमडा एक्स. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैमडा इंटू ए एक्स. अब ए इंटू एक्स तो इस ये हो जाएगा बाई एसोसिएटिव लॉ ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स ऑफ ए एक्स. तो ये हमारे पास आएगा कि ए स्क्वायर एक्स, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स. बट ए स्क्वायर की वैल्यू तो ए है क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है. तो ये हमें मिलेगा कि अगर हम देखें तो ये अगर हम देखें हमने कैसे लिखा लैम्डा इंटू ए एक्स और ए एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स है तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ऑफ एक्स. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास और ए एक्स हमारे पास लैम्डा एक्स के इक्वल है तो लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स तो नॉट इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो लैम्डा कॉमन लेते तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो तो लैम्डा या तो जीरो हो सकता है और लैम्डा इज इक्वल टू 1 और हमें यही वैल्यू प्रूव करनी थी. तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट सिर्फ 0 और 1 हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई रूट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स का एक एप्लीकेशन देखेंगे.